मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा विधानसभा में प्रस्तुत बजट को सर्वस्पर्शी, सर्वग्राही व सबका बजट बताया। उन्होंने बजट को उत्तराखंड को आत्मनिर्भर बनाने वाला बजट बताते हुए कहा कि ये बजट नहीं, हमारा संकल्प है सबके साथ संवाद के माध्यम से इसे जन जन का बजट बनाने का प्रयास किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप 21वीं सदी के तीसरे दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने में ये बजट शानदार प्रयास है। उन्होंने कहा कि ये बजट हर प्रकार से हमारे दृष्टिपत्र के संकल्प को पूरा करने वाला बजट है। वहीं उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार का ही असर है कि जहां 2012 से 2017 के बीच हमें प्रतिवर्ष वार्षिक अनुदान 5,615 करोड़ रुपए प्राप्त होता था, वहीं 2017 से 2022 के डबल इंजन युग में औसत वार्षिक अनुदान राशि बढ़ाकर 11,168 रुपए करोड़ हो गई, जो कि डबल इंजन के दौर में डबल राशि है। देखिए, ये बजट केवल बजट नहीं है, ये बजट हमारा अर्थ संकल्प है और ये सर्वस्पर्शी है, सर्वग्राही है, सभी के लिए इसको अप्रोचेबल बनाया है और साथ में इसमें हमने सबके साथ संवाद करके सभी के विचार भी लिए हैं और एक तरह से मैं कहूँ तो इसको जन जन का बजट बनाने का हमने प्रयास किया है और साथ में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विजन पूरे देश के लिए और उत्तराखंड के लिए है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, उसके आधार पर हमने इस बजट को बनाने का काम किया है। जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये आने वाला दशक उत्तराखंड का दशक होगा, उस दशक को बनाने के लिए ये दशक हमारा बहुत ही सार्थक होगा, एक मील का पत्थर साबित होगा और इस बजट में हमने हर प्रकार से दृष्टिपत्र जो हमारा है उस दृष्टिपत्र के संकल्पों को पूरा करने वाला बजट भी है।